पांचों पांडव यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे प्रतिमा भी स्थापित किया गया है और उनका पद चिन्ह भी देखिए यहाँ पे नकुल का, और पांचों पांडव का पद चिन्ह मिलेगा वो आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा। और यहाँ पे देखिए माता कुंती ने पांचों पांडवों के लिए खाना बनाई थी, आपको इसके बारे में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और माय यूट्यूब चैनल, आपको एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, मैं आपको लेकर के आ गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान भीम का एक मंदिर है और भीम चूल्हा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है, पहाड़ों के अंदर से गुजरता है वो, उसको भी मैं इस वीडियो में शामिल करूँगा और दिखाऊँगा आपको। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए हम आपको घुमाते हैं कि कैसा भीम चूल्हा का नज़ारा है यहाँ पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो आते रहता है मेरे चैनल पे। पास में रेलवे ट्रैक भी है यहाँ पे और पहाड़ों के अंदर से गुजरा हुआ है। और ये देखिए फ्रंट का जो मंदिर है भीम चूल्हा का, उसका फ्रंट का नज़ारा ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आ सकते हैं, अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं आप तो, और इंडिया से भी आते हैं कितने लोग देखने के लिए, क्योंकि ये सरकारी रूप से ये पर्यटक के रूप में रखा गया है इस जगह का। देखिए बोर्ड में लगाया गया ऐतिहासिक भीम चूल्हा पर्यटक स्थल, वहाँ भी देखिए बोर्ड लगा हुआ है, आवश्यक सूचना भी दिया गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, अब आपको भी घुमा देते हैं। ये देखिए बैक कैमरा स्टार्ट कर लेते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पे पांचों पांडवों ने यहाँ पे नहा धोकर शंकर भगवान की पूजा भी की थी, पूजा अर्चना भी की थी। और यहाँ पे देखिए प्रतिमा भी बनाया गया है इन लोगों का, पांचों पांडवों का, माँ कुंती का, अर्जुन का, सहदेव नकुल जी का और भीम भगवान का। मंदिर बहुत फेमस है और ये देखिए नाग देवता का भी है। अंदर लेकर के आपको चलते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है, पंडित जी का नंबर भी लिखा हुआ है, आप पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा घूमकर आपको। ये छोटा सा मंदिर है। सो गाइस, ये भगवान भीम का मंदिर है यहाँ पे, और देखिए नदी के किनारे बसा हुआ है, कोयल रिवर है, बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे, आप लोग आ सकते हैं अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं आप तो। और ये देखिए और आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। अभी सुबह का समय है इसलिए भीड़ नहीं है, हम 7 बजे आ गए हैं यहाँ पे, मोहम्मदगंज स्टेशन रेलवे स्टेशन में कुछ काम था इसलिए हम सुबह आ गए हैं, इसलिए कोई भीड़ नहीं मिलेगा अभी, लेकिन जब भीड़ होता है लगभग 10-11 बजे के बाद में यहाँ पे। पद चिन्ह का भी जो जिक्र हमने किया था पहले, उसको मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। जब भगवान भीम जब यहाँ पे आए थे तो उनका पद का निशान भी आ गया, देखिए भीम पद चिन्ह यहाँ पे कांच बंद कर दिया गया है और इसको सुरक्षित कर दिया गया है ताकि ये मिटे ना। देखिए अर्जुन का पद चिन्ह और ये नकुल जी का पद चिन्ह है ये, ठीक है, ये सारा चीज है यहाँ पे सुरक्षित कर दिया गया कांच बंद करके। और देखिए घोड़ा, जब उनके साथ जो घोड़ा था, घोड़ा का भी देखिए, घोड़ा का भी उनका पद चिन्ह भी है यहाँ पे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, हमको विश्वास नहीं हो रहा था वीडियो में देख करके, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया और पंडित जी से बात की तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए 3 पत्थर है भगवान भीम के द्वारा रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत बड़ा कराही है, यहीं पे माँ कुंती ने पांचों पांडवों के लिए भोजन तैयार की थी। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।